हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ गेमिंग हाउस में मेरे बर्थडे के सारे गिफ्ट्स आए हुए जो आप सब ने भेजे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन सबको अनबॉक्स करने। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 2023 खत्म होने आ गया, तो मैं सोचा क्यों ना एसेटेल बॉयज से उनका एक्सपीरियंस पूछे इस साल कैसा गया, एक फन कॉन्वो करें उनके साथ। तो आज का ब्लॉग बहुत जबरदस्त रहने वाला है, धमाकेदार रहने वाला है। तो अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो और चालू कर दे रहा हूँ। देखो मेरे सारे के सारे बर्थडे गिफ्ट आए हैं, मनोज भाई संभाल के रखे सर, आज इन सब के अनबॉक्सिंग करेंगे। देखेंगे अपने सब्सक्राइबर लोगों ने भेजा है चार चार गिफ्ट, और क्या क्या भेजा, खाने के आइटम भेजे बोल रहे बहुत सारे, चॉकलेट केक वगैरह भेजा ना, चॉकलेट तो खा दिया। आओ इसको देखेंगे हम अपने सारे गिफ्ट, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है यार, जितने भी अपने फैमिली है, सब लोगों ने मेरे को बर्थडे के दिन गिफ्ट भेजे थे। बर्थडे के दिन मैं गेमिंग हाउस नहीं आ पाया था यार, एंड बहुत सारे केक्स, बहुत सारे स्वीट्स, मेरी फेवरेट रसमलाई बहुत लोगों ने भेजा था यार। एंड ये सारे लेटर के साथ है, इसमें अपने को मिला टच लैम्प, पोर्टेबल स्पीकर, स्पीकर मिला है एफएमपी की तरफ से अपने को। एंड इसमें एक प्यारा सा नोट भी है, शायद वो नोट पढ़ेंगे अपन। तो नोट में लिखा है, डियर राज वर्मा, हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट फॉर यू, सॉरी फॉर द लेट विशेस, लॉट्स ऑफ लव, स्नैक्स फ्रॉम गौतमी। गौतमी थैंक यू सो मच यार, ये आपने इतना प्यारा स्पीकर भेजा और ये प्यारा सा लेटर भेजा, थैंक यू सो मच यार। और सेकंड गिफ्ट की तरफ पढ़ेंगे, इसमें जैकेट लिखा है, कहाँ से आए हुए, किसके थ्रू आए हुए, कुछ लिखे सो नहीं है ना, हम सरप्राइज गिफ्ट है, प्रॉपर पैकिंग के साथ आए हुए भाई, इतना प्यार भाई, इतनी पब्लिक डब्ल्यू भाई, मैक्स आर्मी डब्ल्यू, अरे बाप रे, प्यारा है, प्यारा जैकेट है ओ भाई, मस्त जैकेट है भाई। जिसने भी ये भेजा थैंक यू सो मच, जो भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ब्लॉग देख रहे हैं, जिसने भी ये भेजा थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त जैकेट है, एंड ब्लैक मेरा फेवरेट कलर, ऊपर से पूरा डिजाइन है, अब ये पहन रहा नहीं बिकॉज टी शर्ट गिला है यार, वरना ही खराब हो जाएगा, तो बहुत प्यारा जैकेट है, जिसने भी भेजा थैंक यू सो मच। नेक्स्ट की तरफ बढ़िए, अब नेक्स्ट में भाई ये जिसने भी भेजा है ये बहुत डेंजर इंसान, ये भाई जिसने भी भेजा ना उन्होंने एक थैली में भेजा मेरे को, ये इसमें लिखा है फॉर राज हैप्पी बर्थडे, जिसका नाम माम कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें दुनिया भर के कपड़े, सबसे पहले निकाल दिए सोल्ड स्टोर का जो टी शर्ट भेजे उन्होंने, प्यारे प्यारे, जैसे की देख सकते ये टी शर्ट भेजा है, इसमें पबजी थीम टी शर्ट है, बीजेएमआई का टी शर्ट है, और ये एक प्यारा सा टी शर्ट और एक है, ये पूमा का टी शर्ट है, और ये जिम के लिए भेजा है, थैंक यू सो मच यार। और एक चीज है अपने पास, ये इसमें आई गेस ओके, ये हाफ जैकेट है, स्लीवलेस जैकेट, जिसमें आरसीबी का जैकेट है, आरसीबी का ओरिजिनल जैकेट हाफ स्लीव वाला, थैंक यू सो मच यार जिसने भी भेजा, ये नाम वाम नहीं लिया यार, इतने सारे कपड़े भेज दिए, इतने सारे, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और एक ये प्यारा सा ब्लैक कलर का फॉर्मल टी शर्ट भी भेजा यार, दिख रहा है भाई कितने कपड़े भाई, ये भाई ने या बहन ने सॉरी, ये अपने सब्सक्राइबर ने जो भी है, थैंक यू सो मच यार, इतना सब कुछ भेजने, हर इन्होंने ना, इनका थीम ऐसा था, इन्होंने हर फॉर्मेट के हिसाब से कपड़े भेजे, जैसा ट्रेडिशनल कपड़े भेजे, फॉर्मल कपड़े भेजे, स्ट्रीट वेयर भेजा है, जिम वेयर भेजा है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक आइटम भेजा है, जैसे कि ट्रेडिशनल में बोला ना आपको, इन्होंने देखो ये कुर्ता भेजा है, ये प्यारा सा एक कुर्ता भेजा है, कितना प्यारा कुर्ता है, थैंक यू सो मच यार। और एक प्यारा सा कुर्ता ट्रेडिशनल वेयर, बहुत जबरदस्त है ये भी, जैकेट स्ट्रीट वेयर जैकेट, ओवर साइज जैकेट भेजा है, शॉर्ट एक जैकेट है, हाँ ओवर साइज जैकेट है, अबे कस्टमाइज है, नाम लिखा है 18 स्नैक्स, नाम लिखा है, स्नैक्स मेरा फेवरेट नंबर 18 है, तो जस्ट नंबर 18 एक्सेल है, गीले कपड़े यार, पहन नहीं सकता वरना पहन लेता। लास्ट आइटम ये 18 का आई गेस परफ्यूम है, या 18 का परफ्यूम भेजा है। तो भाई जितने भी ये सारे गिफ्ट थे, थैंक यू सो मच भाई जिसने भी भेजा है गिफ्ट, जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, एंड नाम लिखते तो बहुत अच्छा लगता था कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ इंस्टाग्राम के थ्रू, बट जिसने ये गिफ्ट भेजा है प्लीज मेरे को इंस्टा पे मेंशन करो और बातचीत करते हैं, थैंक यू सो मच बर्थडे द स्पेशल बनाने के लिए। बर्थडे के दिन अनबॉक्स नहीं किया, बस थोड़े दिन बाद किया, बट अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चिचा 2023 खत्म होने आ गया, कैसा गया साल? बहुत बढ़िया गया, बहुत जबरदस्त गया। 2023 का सबसे फेवरेट मोमेंट क्या है, पर्सनल, एसिडियल वाला नहीं, तुम तो स्पोर्ट्स वाला बोल रहे हो, पर्सनल मोमेंट बताओ जो 2023 में तुमको याद रहे कि हाँ हमेशा ये मोमेंट 2023 से आ गया। तो मेरे को सबसे लेटेस्ट वाला याद आ रहा है यार, बेकम को मिलना, बेकम को मिलना मेरा फेवरेट, बेकम को मिलना वाज वन ऑफ माय फेवरेट। हां तो फुटबॉल इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, और क्या। और 2023 का सबसे कॉस्टलीस्ट परचेस क्या था, तुमने सबसे महंगी चीज क्या खरीदी? मैं यूके गया था ना, हां तो ट्रिप, हां हां, तो मेरे ख्याल से एक मैंने 60,000 का, वो नहीं मैंने 80,000 का वो खरीदा था, क्या एलवी का ईयरफोन्स, एलवी का एयरपॉड खरीदा, वो सबसे कॉस्टलीस्ट है तुम्हारा, 80,000, सिर्फ 80,000, क्या बात कर रहे हो यार, कुछ है नहीं, फोन वो नहीं लिया 15 प्रो मैक्स वगैरह,
नहीं लिया मेरा तो नहीं, वो पुराना वाला फोन है जो 80,000 तुम्हारा कॉस्टलीस पड़ता है, बट साल अच्छा क्या तुम्हारा? अबे साल अच्छा जाना तो भाई पर्सपेक्टिव है, अच्छी चीजें देखोगे देखोगे अच्छा। वाह 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 वाह, ऐसे थोड़ी 7 मिलियन है भाई। तो बहुत सारे चीज है जो नेगेटिव निकाल के बोलूंगा बेकार गया साल, लेकिन मेरा तो डब्ल्यू वे खाओ खाना को। 23 कैसा गया आपका? वुड हैव बीन बेटर। ओके, 2023 का सबसे फेवरेट मोमेंट क्या है आपका, पर्सनल मोमेंट? और ज्यादा खराब जाएगा क्योंकि आरसीबी जीतेगी मुंबई। 2023 तो सबसे महंगा परचेस क्या किया तुमने 2023 में? सबसे महंगा तो चलते फिरते करते रहे। सबसे ज्यादा खर्चा मेरा वो हुआ है क्या 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 रुको 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 क्या 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 कहाँ पे लड़की मिली थी, कितना घुमाया था? 2 महीना किसी लड़की को तुमने घुमाया था इस साल में? कब? सीक्रेट रखता हूँ मेरा पर्सनल। और 2 महीना घुमाया और तुमको अंदाजा खर्चा बताओ ना, अंदाजा बताओ ना, अरे बताओ ना, अरे बताओ ना। 2023 तो क्या 10-15 लाख समझू? हाँ कम या ज्यादा? 10-15 लाख रुपए तुमने 2 महीने में लड़की के पीछे उड़ा दिए थे, क्या बात है। तो द क्यूटेस्ट डुओ ऐसे ड्यूअल के, एक ये क्यूटी एक ये क्यूटी, 2023 में एक ऐसा मोमेंट जो तुम हमेशा याद रखोगे, अगर तुमसे कोई पूछे 2023 क्या है तो तुम्हारे दिमाग में वो मोमेंट आएगा कि यार ये मोमेंट जो था ये कभी नहीं भूलूंगा, वैसा यादगार मोमेंट। जब मैंने अपने घर का फर्स्ट पेमेंट किया था। क्या बात है यार, क्या बात है। मर्सी भाई आप बताएं। और मर्सी में घर आया था दूसरा ट्रीटमेंट। आए आए हम लोग एक ही बिस्तर पे सोए। एक मेरे नाम का एक हम लोग का घर बना रहे छोटे से, तो उधर में थोड़ा सा। कांग्रेचुलेशंस। तो सबसे कॉस्टलीस्ट पर से 2023 का आपका आंसर यही रहेगा, आप दोनों का घर कर रहे हैं बराबर। मैंने एक डायमंड का कुछ लिया था। क्या बात है, देखो रिंग विंग लिए, एक रिंग और एक ब्रेसलेट लिया था। ऊपर है ना, क्या बात है गाइस। ये देखो जो गोल्डी भाई ब्रासलेट और ये डायमंड रिंग की बात कर रहे थे, देखो ऐसा लग रहा है अगले साल मेरा टारगेट यही है कि ऐसा एक ब्रासलेट लूं और एक डायमंड रिंग लेने गए, 100% लेने गए। पिछले साल ये मैं बोलता इसका टारगेट क्या है, पहले फ्लैट लेगा, फ्लैट लेने का इसका दूसरा टारगेट है बीएमडब्ल्यू लेना। मैं ऐसा सुनार आदमी हूँ, मतलब मैं सुनार वगैरह हम लोग मारवाड़ी है, बट मेरा एक है भाई, मेरे को है, मेरे दोनों हाथों में अंगूठियां चाहिए अभी, जैसा ये हाथ नहीं है। वैसे तेरे पास है ही ऑलरेडी, कितना है? इस हाथ में भी मेरे को चाहिए, मतलब मेरे को गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार है, प्यारा ब्रेसलेट यार, लेंगे अगले साल, लेंगे गाइस अगले साल लेंगे। गोल्डी भाई आपकी माना। तो मेरा यार इस साल का 2023 का सबसे फेवरेट एंड सबसे बेस्ट मोमेंट यही रहेगा, यादगार रहेगा मेरे को लाइफ लॉन्ग भाई। एंड मेरे लिए ये साल बहुत जबरदस्त गया यारो, एज अ क्रिएटर, एज अ स्ट्रीमर, एज अ इन्फ्लुएंसर, मतलब सब तरीके से ओवरऑल मेरे लिए साल बहुत जबरदस्त गया यारो। एंड मेरा फेवरेट मोमेंट वही रहने वाला है जब मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के सेंटर में स्टेडियम में था, एंड सारे के सारे वर्ल्ड कप के कैप्टन मेरे सामने थे, एंड मैं उनके साथ वो मोमेंट का पार्ट था, एंड मैंने वो रील डाली थी शूट करके, वो मोमेंट आज भी सोचता हूँ तो मेरे को गुजबम्स आते हैं, मेरे इस साल का वो सबसे फेवरेट मोमेंट था यार। एंड सबसे एक्सपेंसिव परचेज आई गेस यही है, आईफोन ही है आई गेस का, यही है आईफोन 15 प्रो मैक्स जो मैंने खरीदा था, 2 लाख का पड़ा था मेरे को, मतलब इंश्योरेंस के साथ, एंड 512 GB का एमआरपी में 1,80,000 प्लस 20,000 का इंश्योरेंस था, तो ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव परचेज है 2023 का। एंड मेरा फेवरेट मोमेंट वही भाई वर्ल्ड कप का, सारे कैप्टन के साथ जो मैंने शूट किया था, कॉन्टेंट शूट किया था, एंड जो मौका मिला था वो यादगार रहने वाला है लाइफ लॉन्ग, तो ये मेरा फेवरेट मोमेंट था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। आप लोग बहुत बोलते हैं कि भाई ये स्किन कैसे मेंटेन करते हो, क्या है आपके स्किन के क्या रहा है। सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने स्किन को अच्छी हेल्दी रखने के लिए एंड अच्छे से मेंटेन करने के लिए सबसे बेसिक रहता फेस वॉश। अपन लोग बहुत मल्टीपल फेस वॉश ट्राई करते हैं कि अपने स्किन को कौन सा सेट होगा क्या होगा, इस चक्कर में अपन है ना अपनी स्किन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। कई को बोलते हो ज्यादा फेस वॉश मल्टीपल अलग अलग यूज करने से अपनी स्किन है ना बहुत इची हो जाती है। मैं पर्सनली फेस किया ये इशू, बहुत इची हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं स्किन में और बहुत ड्राई हो जाती है, बट मैं पिछले एक महीने से ये इश्यू बिल्कुल फेस नहीं कर रहा। क्यों तो मैं तुम लोगों को जो प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ इससे सारे मेरे इश्यूज सॉल्व हो गए और मेरी स्किन ग्लो भी कर रही एंड तुम लोग भी ग्लो करेंगे। मैं जो प्रोडक्ट की बात कर रहा था ये रहा अपना मामा अर्थ का एलोवेरा जेंटल फेस वॉश। ये अपने स्किन को हाइड्रेट भी करता है एंड अपने स्किन को स्मूथ एंड सूदिंग भी रखता है। तो इस फेस वॉश को लगाता हूं एंड तुम लोगों को दिखाता हूं इसका जलवा। Aloe vera and glycerin is the perfect blend that soothes the skin and locks in moisture balance. It gently cleanses the skin without leaving it dry.
It has the natural goodness of aloe vera and glycerin. Its allergen-free and non-toxic formula is perfect for all skin types, including sensitive skin. अगर आप लोग भी ये मामाअर्थ का जबरदस्त फेस वॉश खरीदना चाह रहे हैं तो आप लोगों को ये मिलेगा Amazon, Nykaa, Flipkart और मामाअर्थ के ऐप पे यार। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग मेरा कोड भी यूज कर सकते हो स्नैक्स 2023, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और जब भी आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते आपके ऑर्डर को वो लोग लिंक करते हैं उनकी वेबसाइट पे और आपके नाम पे एक ट्री प्लांट होता है। तो ज्यादा टेंशन न लो अपने स्किन केयर की, बस ये लगाओ फेस वॉश और डेली यूज करो यार अपनी जबरदस्त ग्लोइंग स्किन के लिए। बैक टू द वीडियो। ये देखे द एमवीपी, ये बंदा टूटू लगा के नहीं खेलता गाइस, तो इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द बीएमपीएस फाइनल्स मेरे भाई। 2023 का सबसे फेवरेट मोमेंट, क्या पता ये अहमदाबाद वाला हो, क्या पता ट्रॉफी जीत के, बट अभी तक का बताओ। अभी तक का अगर कोई तुमको बोले कि 2023 तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये याद आएगा इस साल में ये हुआ। ये आया ना यार, ये बहुत इजी आंसर दिया यार। देखो हम मेरे तो इतना कुछ अच्छा नहीं है, बाकी ऐसे तो जीत यार भाई है स्पोर्ट्स और फेवरेट मोमेंट है यार। सोच रहा हूं यार, सोचो यार अभी लाइफ हो गया, अभी एक महीने तो बोरिंग ही चल रहा है, क्या हुआ रहेगा भाई ऐसा। यही तो यादगार रहेंगे लम्हे, अधिक क्या हो सकता है भाई। मेरा तो तेरा भी सोच, तेरा भी सोच, तेरा भी सोच, मेरा वही है, मेरा वही है। स्पोर्ट्स अवार्ड आपके लिए बताएं। मेरा फेवरेट एक वही है, मैं पहले दिन मैच खेलने गया था बीजेएमएस वाला। अच्छा वो तेरा कमबैक हुआ था, तेरा फेवरेट है, क्या बात है यार रेगा भाई। उसके ऊपर क्या है, व्हाट्स योर मोस्ट कॉस्टलीस्ट परचेज ऑफ 2023? तूने क्या खरीदा भाई? कॉस्टलीस्ट परचेज घर खरीद लिया। क्या बात है यार, कॉम्बो मेरी जान, एक नंबर यार। चलो ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो और मचा के आओ, फाड़ के आओ, टूटू वालों की मां बहन करके आओ। चलो ऑल द बेस्ट बाय। सबसे महंगी चीज क्या खरीदा तू 2023 में भाई? सबसे महंगी वॉच? हाँ। सच्चा मेरे को बता। सही बात। क्या हो? सबसे 8 लाख की वॉच? 6.5 लाख। कहाँ है हाथ में? मैं घर भूला है। क्या भूला है? अजीब सा लग रहा है। आई एम मांबा। 2023 खत्म होने आ रहे हैं, कैसा गया आपका साल? क्या होता है क्या? अच्छा 23। 2023 कैसा गया आपका? तो इस साल का आपका सबसे यादगार मोमेंट क्या है, ऐसा अगर आपको कोई पूछे 2023? ऐसा मत बोला 2023 में क्या सर? क्या 2023 अगर तुमको दिमाग से कोई पूछे कि 2023 ऐसा तुम्हारे दिमाग में है तो सबसे पहली चीज क्या आएगी कि ये मोमेंट मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा लगा? ऐसा कौन सा मोमेंट है यार? अच्छा एंजॉयबल मोमेंट तो बहुत था, लेकिन अलीबाग में वो 4:30 बजे सुबह नहीं मिल पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? अच्छा स्पोर्ट्स अवार्ड वाला, ऐसा ठीक है, क्या बात है। सबसे महंगा तुमने क्या खरीदा? मेरा ये मैं ट्रिप पे गया था, खर्चा था वही 4-5 लाख रुपए। अरे बाप रे, 5 लाख की ट्रिप थी। 2023 तुम तीनों के लिए कैसा गया? ठीक ठाक गया। 2023 का सबसे फेवरेट मोमेंट तुम्हारा क्या है? अगर तुमको कोई पूछे 2023 तुमको याद दिलाए तो ऐसा एक मोमेंट होता ना कि यार 23 में ये हुआ था, वरना ऐसे डेल बोलूंगा तो मामा बना था। क्या बात है यार, मामा बन गया। अरे मामू बना था, मामू बन गया। जरा आप बताएं भाई, पर आप बताएं। वाटर 2 BHK फॉर मॉम। क्या बात है यार, कॉन्गो भाई ये वाला यादगार मोमेंट, क्या बात है, एक नंबर भाई। पर भाई आप बताएं। एक किलो कम किया मेरे, ये थोड़ी उसका फेवरेट मोमेंट रहेगा। याद ही नहीं कौन से महीने में क्या हुआ पूरे साल, कब हुई। अच्छा चलो ठीक है, तीनों का सबसे कॉस्टलीस्ट परचेस क्या था 2023 में? सबसे महंगा तुमने क्या खरीदा? तो घर ही ऑब्वियसली। तेरा सेटअप? हाँ, तेरे घर पे सेटअप मारा, बहुत खर्चा किया होगा ना। कॉस्टलीस्ट क्या खरीदा? अभी आईफोन 15 Pro Max। ये देखो ट्राई हो, देखो भाई एक ही बेड पे सोते हैं, फैला देते ना 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 अलग अलग बेड हैं, अलग अलग। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इस आपका कैसा गया? बहुत बेकार था। बस सब ये क्यों बोल रहे हैं? तो बेकार था ये साल भाई। 2023 का कोई फेवरेट मोमेंट आपका जो आप डिस्कस करना चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे? एसिडल फेस्ट तेरा फेवरेट है? अच्छा आंसर था। सबसे कॉस्टलीस्ट परचेस क्या था आपका 2023 का? सबसे महंगा तूने क्या खरीदा? बता नहीं सकता वैसे। अच्छा क्या खरीदा? अच्छा हाँ, इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। हाँ। तो अच्छी बात है यार, क्या बात है, फैमिली इन्वेस्टमेंट, क्या बात है यार, ये डब्ल्यू यार, एक नंबर यार। और भी दे दे पैसे हो गए इन्वेस्टमेंट का। आगे पब्लिक अपन वापस गेमिंग हाउस से आ रहे घर पे, और बहुत जबरदस्त दिन था, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड मॉडल ने एक बहुत अच्छी बात बोली यार, देखो उसने एक चीज बोली थी कि साल में ना, एक पूरे साल में ना बहुत सारी चीजें होती है, नेगेटिव थिंग भी होते हैं, पॉजिटिव थिंग्स भी होते हैं। जो ग्राफ रहता है वो अप डाउन होता, कभी भी कॉन्स्टेंटली वो कभी ऊपर नहीं जाता। ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड यार, नेगेटिव चीजें होती रहती, खराब चीजें होती रहती, उसको लेके बैठो मत, उसको लेके ज्यादा सोचो मत, पॉजिटिव साइड सोचो, कैसे आगे बढ़ सकते हो उस चीज को लेके सोचो। एंड अगले साल भी 2024 में भी आई होप अपनी स्नैक्स आर्मी की पब्लिक बढ़ते रहे, ग्रो करते रहे, अपन ग्रो करते रहे, मैं इंडिविजुअली नहीं, अपनी पब्लिक जितनी भी मेरे से जुड़ी हुई है, सबके सब अपन साथ में ग्रो करें अपने अपने फील्ड में। बस मैं यही प्रे करता हूँ कि अपन साथ में ग्रो करें यारो, और प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल में बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, इस साल में यारो बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज मैंने इस साल में बनाए यारो, एंड
ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस यारो. बहुत बहुत शुक्रिया स्नैक्स आर्मी डब्ल्यू पब्लिक है. तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यारो. अगले साल का टारगेट 2 मिलियन है और इस साल का टारगेट है इंस्टा पे 1 मिलियन जाने का. थोड़े से फॉलोअर्स रह गए न्यू ईयर के पहले पहले, हो सकता थोड़े से रह गए 10-15 हज़ार फॉलोअर रह गए. आप प्लीज इंस्टा पे मेरे को फॉलो करो और वहाँ पे प्यार दिखाओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. पीस आउट गाइस.